हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में फिर से खेल रहे हैं एक न्यू गेम जिसका नाम है टैक्सी बॉस। और ये भाई थोड़ी सी लंबी गेम है और काफ़ी अच्छी गेम है, मतलब मज़ा आता है इस गेम को खेलने में। और वैसे अभी मैं स्टार्ट किया है इस गेम को, इससे पहले मैंने कभी नहीं खेला। तो सबसे पहले तो मैं चूज़ करनी होती है कोई कार, तीन थकेली सी कार है यहाँ पे, पोस्चर, एक्यूटा, और इसे मैंने चूज़ किया क्योंकि बाकी दो मुझे इतनी अच्छी दिख नहीं रही थी, थोड़ी सी रेस कार जैसी दिख रही थी इसलिए मैंने ली। और बाद में पता नहीं जाके देखते हैं कैसी लग रही है। यहाँ पे कुछ मस्त मस्त सी कारें हैं जो कि मैं बाद में देखूँगा इनको जब हायर लेवल्स में, अभी तो नहीं खुलेंगी। ये सामने से देखने में बहुत थकेली कार लग रही है क्योंकि वहाँ पे तो अच्छी लग रही थी फ़ोटो में, लेकिन यहाँ पे सामने से देखो तो ये दो आगे की डंडी हैं इसकी, ये अच्छी लग रही है, बाकी तो भाई थोड़ी सी क्या बोलूँ मैं, घटिया सी कार लग रही है। चलो कोई बात नहीं, इससे देखते हैं अब क्या होता है, हमें क्या करना है। मतलब टैक्सी है तो अपने को पैसेंजर्स ले जाने होंगे, तो ये रहे कुछ पैसेंजर्स, जाके देखते हैं क्या होता है। तो अपने को आर शिफ्ट करना है तो मैं कर देता हूँ, लेकिन ये बोलने हैं कि तुम्हारी कार बहुत घटिया है, हमें नहीं बैठना तुम्हारी कार में, तुम्हारी रेटिंग बहुत कम है। अभी मैं तुम्हें बता दूं, मेरी कार की रेटिंग है 2.2 जो कि गेम की इनिशियल कार की रहती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हें अर्न करनी होती है रेटिंग्स जस्ट बाय अनलॉकिंग न्यू कार। तो मैं अनलॉक करता रहूँगा न्यू कार्स, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा कोई ढंग से बिठाने। ये फैमिली का झुंड है, ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारी कार में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत है। तो यहाँ पे 1.8 के हैं, मेरे को लग रहा है ये बैठ जाएंगे क्योंकि मेरी 2.2 है, तो मेरे से तो कम रेटिंग है इनकी, तो ये आराम से बैठने चाहिए। लेकिन भाई इनके भी बहुत सारे झुंड हैं, मतलब मेरे कार में इतनी जगह नहीं है क्या चार लोगों की, मुझे समझ नहीं पड़ रही। तो यहाँ पे मुझे देखने होंगे अकेले तो अकेले, ये बंदा बैठ जाएगा, ये अकेले बंदा है। तो चलो फाइनली हमें फर्स्ट पैसेंजर्स मिल गया अपना, तो चलते हैं और इसको ड्रॉप करते हैं इसकी डेस्टिनेशन पे। वहाँ पे ऊपर मैप में आ गया इसका, कहाँ पे इसे ड्रॉप करना है। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब टॉकेटिव बंदा लग रहा है बात करने जैसा। तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी पहुँच गया और न्यू जगह भी खोल दी मेरी इसने। तो कहाँ है भाई इसका डेस्टिनेशन, ये रहा भाई ग्रीन मार्कर पे। तो ग्रीन मार्कर पे हमें छोड़ना है, ज़्यादा दूर नहीं गया ये, थोड़ी सी देर चलानी पड़ी मुझे। तो फाइनली ये रहा हमारा पहला पैसा, $114। ठीक है भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई मतलब सुनने में। और अभी मेरे पास में 1200 समथिंग रुपीज़ हो चुके हैं जो कि काफ़ी अच्छा है, बेटर है भाई, गुड। और अपने को सेकंड पैसेंजर ढूंढना है, वो थोड़ा मैं हायर रेटिंग का ढूंढूंगा क्योंकि भाई अभी मैंने 1.5 से कार लिया था जो कि भाई बहुत लोअर रेटिंग है इसमें। और इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें मस्त बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, इसमें चोर भी होते हैं और उनको बचा के ले जाना ना बहुत मुश्किल होता है यार, मतलब हर जगह लाइटें लगती हैं। और तुम देखना इस वीडियो में, अगले वीडियो में मैं उनको दिखाऊंगा। तो ये रहे 4.9 के, ये अभी लोग हैं भाई, इनको बाद में देखेंगे, अभी इस घटिया कार में नहीं बैठने वाले लोग। तो ये रहा भाई कुछ मैप, और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो GTA जैसा मैप, तो मतलब सैन एंड्रियास टाइप का लग रहा है मैप थोड़ा थोड़ा, इसलिए गेम को लोड होने में टाइम लगा था मेरे PC में थोड़ा सा। तो अभी मैं तुमको कार्स दिखाता हूँ कि जो जो कार्स होती हैं। तो ये रही 5.8 की कार जो कि अभी मैं ले नहीं पाऊँगा, लॉक्ड है क्योंकि इसके लिए तुम्हें शॉप की रेटिंग बढ़ानी होगी, लेकिन शॉप अभी मेरे में खुली नहीं है, तो थोड़े पैसेंजर्स ड्रॉप करने पड़ेंगे। और ये रही कुछ अच्छी कारें लैम्बोस टाइप की, और ऊपर जीप भी है भाई, जी वैगन जैसी पता नहीं कौन सी है। इसमें नाम सारे मतलब वैसे वैसे ही चेंज किए हैं, कार्स तो वही हैं पर नाम चेंज कर दिए इसने। और अभी हमको वापस बैक टू द वर्क, हमें काम करना पड़ेगा। अभी आर्ट रेटिंग तो भाई कहाँ से आ रही है हमारे पास, बिल्कुल नहीं आएंगे। आर्ट रेटिंग तो मैं शायद थोड़े दिन में ही कर पाऊँगा, आज तो बिल्कुल नहीं। तो नेक्स्ट पैसेंजर हमें लेना होगा, मैं सबकी रेटिंग भी देख रहा हूँ साथ साथ में। मुझे कोई खास अपने लाइक का मिल नहीं रहा है जो मैं बिठा पाऊँगा, या फिर मुझे ज़्यादा फैमिली वाले मिल ले मुझे वो भी नहीं बिठा पाऊँगा क्योंकि वो मेरी कार में आएंगे नहीं। तो मुझे ढूंढना होगा अकेले दुकेले वाला बंदा और उसकी रेटिंग 2.2। ये बैठ सकते हैं तीन जने आई थिंक, इनको ये भी नहीं बैठ पा रहे, या तीन जने नहीं बैठ सकते, मुझे समझ नहीं पड़ रही कैसी कार है भाई। ये 2.1 है लेकिन ये भी चार जने भाई, नेक्स्ट कौन सा बंदा आएगा सामने, ये कोई नई टैक्सी ये भी चला रहा है सामने बंदा।
तो 1.8 के मुझे दिखे हैं और यहाँ पे सिर्फ दो ही जने हैं, तो ये मेरे कार में आराम से बैठ गए। और अब चलते हैं गाइस इनको ड्रॉप करने, और इनका ड्रॉप लोकेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा दूर लग रहा है भाई। मतलब कितना दूर है भाई, 1 किलोमीटर समथिंग बोल रहा है, पता नहीं। तो चलो चलते वहाँ पे और देखते हैं कितनी देर लगेगी और कितने पैसे मिलते हैं, क्या डेस्टिनेशन, मतलब अगर जर्नी लंबी हो तो क्या ज़्यादा पैसे मिलते हैं हमें, या फिर हमें रेटिंग के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। या फिर टाइम कितने कम टाइम में तुमने छोड़ा है, इस पर डिपेंड करता है, मुझे थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर। और ये कोई न्यू जगह खुली और फिर से न्यू जगह खुल गई और पैसे मिलते जा रहे हैं मुझे इस बात के। तो इन्होंने भी यार ज़्यादा दूर नहीं गए, मतलब ठीक ठीक गए, ज़्यादा मतलब इतना टाइम लगाने पर 3 न्यू एरियाज़ मेरे अनलॉक कर दिए इन्होंने। तो ये रहा भाई कुछ अपना कुल किराया, $378। ठीक है भाई, मतलब पहले वाले से तो बेटर है, उसने तो 114 रुपये दिए थे और उससे तो 3 गुना ज़्यादा मिल गया। तो एक और चीज़ मैं दिमाग में आ रही कि अगर ज़्यादा पैसेंजर्स हो तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे देखना पड़ेगा इसको। तो ये 2 पॉइंट वाला, इनको भी बिठा पाऊँगा, लेकिन बहुत सारे जने हैं। ये रहा 1.2, इसको बिठाने का मन नहीं कर रहा, पर मेरे पास कोई और ऑप्शंस है नहीं क्योंकि ज़्यादा जने मैं बिठा नहीं सकता वैसे ही, तो हमको काम करना होगा। और ये इसने बहुत सारे पैसे दिए क्योंकि बहुत दूर गए थे भाई, 1 किलोमीटर से ऊपर गए, पता यहाँ पे मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया इस इनको छोड़ते छोड़ते, एयरपोर्ट से भी इधर घूम घूम के। और अब बोल रहा है कि एक न्यू शॉप बना लो अपनी और उसका लोगो चुन लो, तो मेरे को लग रहा है पृथ्वी वाला लोगो ज़्यादा अच्छा लग रहा है और टाइप का, क्योंकि बाकी दो तो बेकार बेकार से लोगोस हैं, या फिर खुद से कस्टमाइज़ करके डालने देता तो ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने यहाँ पे डाला पृथ्वी वाला लोगो और ये रही अपनी शॉप, ये बन रही है, काफ़ी अच्छी शॉप लग रही है भाई। और अभी अच्छा अभी तो आधा ही बना यार, तो अच्छा मुझे आगे आगे अप अप अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देख के आते हैं कैसी है शॉप, और यहाँ पे अपनी है रिसेप्शनिस्ट और देखते क्या बोल रही है। या अच्छा ये फालतू मतलब बॉट टाइप की है, कुछ खास करेगी नहीं, ठीक है थोड़ा बहुत बातचीत करेगी, हो गया डन। और ये रहे खाली खाली से पेट्रोल पंप जैसे अपने कैबिन्स, उसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं, तो यहाँ पे खाली है पूरा, गैरेज भी कुछ है नहीं इसमें। तो अपने को अभी और ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे कारें इकट्ठी करके डालनी पड़ेंगी। तो ये रहा सामने गैरेज बिल्कुल, और यहाँ पे इससे डीलर, ये डीलर से बात कर सकते हो और तुम कारें खरीद सकते हो, या सामने एक और डीलर है मतलब उसके बगल में बिल्कुल, और वहाँ पे तुम अपनी कार सेल भी कर सकते हो। तो अभी मेरे पे एक ही है तो मैं सेल क्या करूँ, तो अभी मुझे और बाई करनी पड़ेंगी। तो चलो चलते हैं एक बार कारें देख के आते हैं, कौन सी कार हमें खोल सकते हैं अगली, कहाँ है भाई कौन से, ऑल कार्स में देखनी पड़ेंगी मुझे। तो ये मेरा लेवल है और इसके हिसाब से 2.2 की है, और इसके बाद की कारें जो हैं मेरे लिए अनलॉक्ड तो हैं, पर इसके लिए पैसा नहीं है मेरे पे, क्योंकि मेरे पास अभी 3,500 है और ये कार्स मेरी 4,000 की समथिंग की पड़ रही हैं, तो मेरे पे पैसे इनफ नहीं पड़ रहे। और इसके बाद की खास मस्त लग रही है यार, मुझे जल्दी से जल्दी खोलनी है सब कुछ, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनमें से कौन सी कार खोलूँ, ये वाली खोलूँ, ये वाली खोलूँ, या अगली मतलब पीली वाली खोलूँ, पीली तो नहीं खोल रहा मैं, पीली पहले से ही मेरे पे। और ये तो थोड़ी सी बेटर लग रही है, वाइट वाली मुझे ये अच्छी लग रही है भाई, अगर इसमें मैं कलर करूँ कस्टमाइज़ करूँ तो मज़ा आ जाएगा, अगर मैं ब्लू कर पाया तो कस्टमाइज़, अगर कस्टमाइजेशन अलाउड है तो। थी शायद से, मैंने इससे पहले उसको करने की ट्राई करी कि नहीं, शायद से, देखते हैं। अभी फिर से हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, बाद में आके देखते हैं जब हम पे इनफ पैसा हो जाएगा। तो लेट्स गेट टू वर्क। तो भाई अभी फिर से वही 2.2 के रेटिंग के साथ में हमें निकलना पड़ेगा काम पे, और आई थिंक कोई तो मिलेगा भाई 2.2 से नीचे वाले, और मुझे ज़्यादा नहीं करने, बस एक दो पैसेंजर्स डिलीवर करने, ये बैठ पाएंगे भाई आराम से, बैठ जाएंगे 3 जने, और इनसे ज़्यादा पैसे मेरे को मिलेगा आई थिंक, क्योंकि 3 जने हैं, तो एक का 100-100 भी मिल गया तो 300 हो जाएगा आराम से। तो यहाँ से ले जाते हैं और अभी इसके लेफ्ट मारते हैं, अभी मैं थोड़ा तेज़ चलाने वाला हूँ क्योंकि मुझे टक्कर वक्कर का कोई खास लेन देन है नहीं, तो इनको ड्रॉप कर देते हैं। फाइनली इनका स्टॉप आ गया है, ये रहा भाई इनका हरा हरा स्टॉप। और यहाँ पे 5-5 रेटिंग के बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं यहाँ पे, और न्यू जगह भी खुल गई मेरी, ब्रिज व्यू। तो फाइनली मेरे 4,000 तो पूरे हो गए, तो चलते शॉप पे और एक न्यू कार अनलॉक कर देते हैं। चलो तो यहाँ पे ये अच्छी बात है यार, डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर सकते हो, नहीं तो फालतू में हमें अगर उतना चलना पड़ता भाई मैं दिमाग खराब हो जाता। तो यहाँ से कौन सी कार खोलें बताओ तुम तीनों में से, ये वाली खोल लेते हैं क्योंकि लाल वाली मुझे अभी ठीक लग रही है,
क्योंकि पहले मुझे वाइट वाली लग रही थी, अब लाल वाली। और इस पर कुछ कस्टमाइजेशन हो सकते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कस्टमाइजेशन, और इसके 500 रुपये लगते हैं समथिंग। तो लेकिन इसके नीचे वाले अपग्रेड्स नहीं कर सकते हम। अच्छा, ऊपर वाले कर सकते हैं जितने कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी तो लाल वाला चेंज नहीं करेंगे कलर, क्योंकि फालतू में इतने पैसे कौन खर्चेगा, और है भी नहीं मेरे पे, सबसे बड़ी बात। तो गाइस, इस वीडियो में बस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक्स, और जिन नहीं किया प्लीज़ कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, थैंक यू।